हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडमी के नोट 7 के बारे में। तो Xiaomi ने इसे इस बार रेडमी ब्रांडिंग के अंदर लॉन्च किया है। कंपनी अब रेडमी को अलग आइडेंटिटी दे रही है, तो अब रेडमी Xiaomi सब ब्रांड बन गई है। इसे बोलते हैं रेडमी बाय Xiaomi। तो अब रेडमी ब्रांडिंग पे लॉन्च होने वाला ये पहली फ़ोन है। इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको 6.3 इंच का फुल HD प्लस की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिस पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। साथ ही साथ ये फ़ोन वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। और इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 660 देखने को मिलेगा। और साथ साथ इसके कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल की प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाती है। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। और इसके बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। OS की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉयड का ओरियो देखने को मिलेगा, जिस पर कंपनी की MIUI की लेयरिंग होगी। इसके साथ कंपनी ने चार्जिंग के लिए इसमें USB टाइप सी पोर्ट भी दिया है, जो क्विक चार्ज 4.0 को सपोर्ट करती है। साथ ही साथ इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 3.5 mm का जैक भी देखने को मिलेगा। हालांकि ये फ़ोन कोई IP सर्टिफिकेशन के साथ नहीं आती है, लेकिन Xiaomi का कहना है कि इसके IO पोर्ट्स जो है ना, वो सील किए गए हैं, तो ये फ़ोन कुछ हद तक वाटर और डस्ट प्रूफ होगी। और लास्ट में इसके बैक की बात करें तो इसमें आपको ग्लास देखने को मिलती है। और साथ ही साथ इसके प्राइस की बात करें तो इसकी चाइना प्राइसिंग को इंडियन मार्केट से कन्वर्ट करें तो 3GB रैम प्लस 32GB की वेरिएंट की कीमत 10,000 होगी, एवं 4GB रैम प्लस 64GB की कीमत 12,000 होगी, एवं 6GB रैम प्लस 64GB की कीमत 15,000 रुपये बनती है। तो अब इसके इंडिया में लॉन्चिंग की बात करें तो Note 5 Pro फरवरी में आया था, तो हो सकता है कि कंपनी फरवरी या मार्च में ये फ़ोन को इंडिया में लॉन्च कर सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।